अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो सब? ठीक हो? मैं हूँ राशिद मिर्ज़ा। मिर्ज़ा व्यूज़ पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूँ दिल से। तो आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वह टॉप 20 कंट्रीज़ जो है ना, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज हैं एशिया में, तो 2019 उसके हिसाब से वीडियो है। तो देखते हैं 20 कंट्रीज़ कौन से हैं जो फास्टेस्ट ग्रोइंग है इन एशिया में। होप के पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और ये कंट्रीज की कहाँ तक आती है, कौन कौन सा नंबर है इन कंट्रीज का, और ये किसी नंबर में आते भी हैं कि नहीं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। लेकिन जाने से पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब तो कर दो, फ्री है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा। तो वीडियो देखने हैं उसके बाद बात करते हैं, और वीडियो के बाद जो होता है ना अपना ओपिनियन बंदा देता है। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं उसके बाद बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Before the 19th century, for more than 5,000 years, Asian countries like India and China dominated the world economy and trading systems. But after the modern industrial revolution started in the United Kingdom and later in many Western countries, it changed the dynamics of economic power around the globe and continued to rise by colonization of most Asia and Africa, which led to the decline of the dominance of Asian countries in world economics. But time is changing again. Most of the Asian countries are now growing faster than many of the Western countries, and some have already passed the economic boundary, so that they are now called an economic Asian countries are going very, such as China, very which is now the largest economy in the world in terms of GDP purchasing power parity, and second largest in terms of nominal GDP after the United States. And with the current rate China is growing, it is expected that China will surpass the United States in 2027. Many countries, such as India and Indonesia, are also in this race to become an economic superpower. So in this video, we are going to see updated top 20 fastest growing Asian countries for the year 2019, according to the International Monetary Fund. But before starting the video, don't forget to subscribe to this channel and press the bell icon so you never miss any updates. So, let's begin. Please subscribe. Let's begin. Support show kiya karo. तो दिल करेगा फिर और वीडियोस लेके आने का भी। लेट्स स्टार्ट। किर्गिस्तान, ईवर 7% ईवर में जीडीपी 1.5 बिलियन। नंबर 19 है जी कजाकिस्तान। पहले कौन सा थी? 3.8 170 बिलियन। उसके बाद जी डी पी 170 बिलियन। 4.1 ग्रोथ रेट इंप्रेसिव। मलेशिया नंबर 18। मलेशिया नंबर 18 है जी। वाओ, ग्रोथ रेट 4.5% 65 बिलियन। वो जी डी पी बहुत है यार, पाकिस्तान के आसपास है, थोड़ी ज़्यादा है। नंबर 7 इंडोनेशिया। इंडोनेशिया भी ग्रोइंग कंट्रीज में है ना, तो 5% वाओ, 1.1 ट्रिलियन। ये ट्रिलियन में इकॉनमी है जी, पाकिस्तान की अभी ट्रिलियन में नहीं है। राइट अप ताजिकिस्तान, ग्रोथ रेट 1.8 बिलियन। ग्रोथ रेट अच्छा है इनका भी, 7.3। भूटान यार, भूटान के बारे में भी जानना है, भूटान के बारे में बात करना है। ग्रोथ रेट 5.5 बिलियन। ग्रोथ रेट 4.6। ये छोटा कंट्री है ना, मतलब छोटे कंट्री हैं और काफी अभी इनकी प्रोग्रेस होनी है, उन्होंने ग्रोथ करनी है और टक्कर देनी है बड़े बड़े कंट्रीज को। फिलीपींस भी जो है ना वो काफी ग्रो करना है, 5.7% है देखो, और 330 बिलियन जीडीपी 2018 में, 357 बिलियन हो गए 19 में। ये कौन सा है? अर्मेनिया। ये भी बड़ा ब्यूटीफुल लग रहा है यार, ग्रोथ रेट 6%। अभी इतना बड़ा नहीं है,
छोटा कंट्री है. ओके चाइना नंबर 11 जो ग्रोथ के साथ किया गया. चाइना में जो ग्रोथ हुई है 6.1% हुई है 2019 में 13.5 trillion अकाउंट. ओ वाओ बिगेस्ट. म्यांमार नंबर 10 ग्रोथ रेट 6.2. म्यांमार में भी अच्छी चल रही है प्रोग्रेस ये साल में जो है ना पिछले साल में ठीक रही है ये 19 में. लो जी इंडिया वालों इंडिया की देखते हैं कितनी ग्रोथ रेट है 2018-19 की क्या डिफरेंस है. 6.2 रही है जी 2.8 2019 में और 6.8 ग्रोथ रेट 2018 में. तो आपकी चांस थोड़ी सी डाउन हुई है. तो देखते हैं बात Turkmenistan देखने को आओ ये कंट्री बड़े ब्यूटीफुल 6.3 वाओ ये भी अच्छा है लेकिन अभी इनको मजीद ग्रो करना है. जैसे बहुत सारे कंट्री को अभी इनको करना है बहुत कुछ करना है. मुझे लगता है कि टॉप पे बांग्लादेश ही होगा या नेपाल रेट के साथ. अभी तक नहीं आए ना वियतनाम नंबर 5 6.5 तो चल रहे हैं पिछले 2018 में 7.1% थोड़ा डाउन आया. मालदीव यार ये भी बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है. कुछ बीचेस की वीडियो देखी है हमने 6.5 है लास्ट ईयर ग्रोथ है 7.5 तो थोड़ा सा डाउन आया वहाँ पे. हर जगह पे थोड़ा सा डाउन वाला है कंबोडिया. अभी कंबोडिया में कितना 7% फिर भी अभी उनको बहुत छोटे कंट्री उनको बहुत ज़्यादा इकॉनमी जीडीपी ज़्यादा बढ़ानी है. निकॉन नंबर 2 पे 7.1% ये ग्रोथ रेट है. इकॉनमी छोटी है लेकिन ग्रोथ रेट है. बांग्लादेश नंबर 1 जो पहले ही बहुत ज्यादा. नेपाल एंड बांग्लादेश बहुत ज्यादा अच्छी पोजीशन में है. इकोनॉमिक उनकी जो बहुत अच्छी रही है 2018-19 में. और पाकिस्तान का किसी में भी नाम नहीं. पाकिस्तान का भी मैं सोचा था कि होगा टॉप 20 में लेकिन पाकिस्तान का तो नाम ही नहीं इसमें. पाकिस्तान को अभी बहुत कुछ करना है. मतलब बहुत पीछे है पाकिस्तान. तो यार इसके लिए कुछ करना चाहिए. इमरान खान को हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि यार क्या कर रहे हैं हम लोग. इतने इतने छोटे छोटे कंट्रीज हैं वो कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं कितनी पॉजिटिव एनर्जी से वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं. बांग्लादेश का देखो ग्रोथ रेट बोर्ड. नेपाल का देखो यार नेपाल भी बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है. नेपाल के बारे में मैं वीडियो इंशाल्लाह वो जल्दी लेकर आऊँगा. बांग्लादेश नेपाल और श्रीलंका भूटान इनके बारे में वीडियोस अभी कोशिश करेंगे कि जानने की कोशिश की जाए. भूटान के बारे में नेपाल के बारे में बांग्लादेश जो जो जितना हम जान सकें अभी तक वो तो कुछ भी नहीं है. इसके आहिस्ता आहिस्ता और जानने की कोशिश करेंगे. और बांग्लादेश ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है. और बांग्लादेश के अंदर जितने इन्वेस्टर्स हैं आउटसाइड से आ रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा रहा है. और फ्री इकोनॉमिक जोन बनाए जा रहे हैं. टैक्स फ्री उनको किए जो है ना सबसे बड़ी बात है कि टैक्स फ्री इकोनॉमिक जोन हैं. तो उसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स आ रहे हैं बांग्लादेश में. और लो कॉस्ट वहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रही है अभी तक लो कॉस्ट में हो रही है.
इसके लिए चाइनीज कंपनी का भी हमने सुना है कि बहुत सारी चाइनीज कंपनी जो है बांग्लादेश में शिफ्ट हो रही है, जो पहले चाइनीज वहाँ जाना पसंद नहीं करते थे, बात करना पसंद नहीं करते थे, अभी वो चाइनीज इन्वेस्टर्स वहाँ खुद चल के जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ इंडस्ट्री सेटअप की जाए। तो बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी अच्छी खबर है, जो कि बांग्लादेश के आने वाले जो दिन है वो और बेटर नजर आ रहे हैं और प्रोग्रेस में नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत इम्प्रेसिव रहा, सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेज हैं, गुड लक पूरे कंट्रीज को। लेकिन अफसोस है कि हम लोग पाकिस्तान वो इसमें ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा, अपना कंट्री जब प्रोग्रेस नहीं कर रहा हो तो थोड़ा सा दुख तो होता है, लेकिन दूसरे कर रहा है तो उसकी खुशी में खुश भी होना चाहिए कि आप लोग प्रोग्रेस कर रहे हो। तो बांग्लादेश को हमारी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप टॉप पे हो 2019 में ग्रोइंग में, और 2018 में भी टॉप पे थे या नहीं, लेकिन टॉप 5 में तो होंगे पक्का है। तो ये था वीडियो, एक छोटा सा वीडियो है, लेकिन जानने को बहुत कुछ मिला, और ऐसे ही हर वीडियो से कुछ ना कुछ जानने को मिलता है। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट दीजिए, अपना प्यार दिखाइए थोड़ा सा, ताकि हम भी आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आते रहें। ठीक है, तो जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।